अस्सलाम वालेकुम, आई एम आकिब रंधावा। इन द लास्ट चैप्टर ऑफ फंडामेंटल ऑफ हलाल फूड आई डिस्कस अबाउट द पाकिस्तान हलाल स्टैंडर्ड PS 3733। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो बताया गया है कि इसमें मुस्लिम की डाइटरी रिक्वायरमेंट, डेली यूजेज, जो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो डिज़ाइन की गई है। इसमें पाकिस्तान फूड स्टैंडर्ड 3733, ठीक है, ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी अथॉरिटी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट सेंटर ने डेवलप किया, ठीक है, इन कॉन्स्टिट्यूंट विद साइंटिफिक, ठीक है, साइंटिस्ट के साथ मिल के, ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी के साथ मिल के, ठीक है, और उसके डिफरेंस में एक्रीडेशन बॉडीज थी, इसमें इस्लामिक स्कॉलर थे, ठीक है, तो उसके अलावा उसमें टेस्टिंग अथॉरिटी थी, ठीक है, उसमें कंज्यूमर थे, प्रॉपर ट्रेल लेके इन्होंने ये कोड डिज़ाइन किया था, ठीक है, इसे PS 3733 कहते हैं, ठीक है। उसमें उन्होंने मेन फोकस ही क्या था कि हलाल फूड चेन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने इंश्योर किया था कि फूड के जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, और स्लॉटरिंग ऑफ द एनिमल है, क्या वो शरिया के अकॉर्डिंग है, ठीक है, क्या वो हलाल तरीके से वो मीट को हलाल वैसे कट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड हैं, ठीक है, जो पैकेजिंग है, मार्केटिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, एक्सपायरी डेट्स हैं, ठीक है, उसके अदर रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उसके अलावा जो फूड फ्रॉड्स होते हैं उसके बारे में बताया गया इसमें, ठीक है। तो उसमें बताया गया कि अगर इस डेट तक आप फूड यूज़ करेंगे वो आपके लिए हेल्दी होगा, इस डेट के बाद यूज़ करेंगे वो अनहेल्दी होगा, ठीक है, तो हलाल हराम के अलावा इसकी प्रॉपर सैनिटेशन तकनीक के बारे में बताया गया, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने हमें फूड फ्रॉड के बारे में बताया, इन सब जो स्टैंडर्ड बनाए। उसके अलावा इसमें इंटरप्राइज थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने फूड चैन के साथ मिलके फूड स्टैंडर्ड को अकॉम्प्लिश किया, ठीक है। तो ये इसके जो स्टैंडर्ड हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इसमें हलाल एंड हराम एनिमल एंड फूड आ जाता है, उसमें ये कि जो हलाल एनिमल्स हैं, ठीक है, वो फॉलोइंग कंसिडरेशन है, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ ये के जो स्लॉटेड हैं कुछ उनको इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग करना चाहिए, ठीक है। उसमें एनिमल हैं सबसे पहले तो ये कि कैटल, बफेलो, शीप, गोट्स, कैमल, चिकन, ठीक है, उसके अलावा डग्स हैं, गीज हैं, टर्कीज हैं, ये हलाल कंसीडर हैं हमारे लिए, ठीक है। उसके अलावा ये है कि जो नॉन प्रेडेटरी हैं, ठीक है, जो शिकार उसमें डियर आ जाता है, एंटीलोप आ जाता है, ठीक है, कैमल, विल्ड कैटल आ जाती हैं, ठीक है, वो भी हलाल हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ नॉन प्रीडेटरी जो कि शिकार नहीं करते, उनमें क्या क्या हैं, पिजन हैं, ठीक है, स्पैरोज हैं, और उसके अलावा कोयल्स हैं, स्टारलिंग हैं, ऑस्ट्रिच हैं, ये भी हमारे लिए हलाल है। उसके अलावा इंसेक्ट्स में क्या है, ग्रास ऊपर हैं, लोकस्ट हैं, ये हमारे लिए हलाल हैं, ठीक है। उसके अलावा हलाल फूड्स हैं, ठीक है, विच फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। तो इसमें ये है कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि फूड को हमारे लिए हलाल बनाती हैं, ठीक है, और कौन कौन सी कंडीशन जो कि फूड को हराम बनाती हैं, कि कुछ ऐसे फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि वो हमारे लिए नॉन हलाल होते हैं, ठीक है, कि वो हमारे लिए हराम होंगे। उसके अलावा ये है कि अगर आपने हलाल फूड में, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ ऐड कर ली जो कि हराम हो, तो फिर भी हम उसे हलाल कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, कि अगर कोई अननोन हराम जो इंग्रेडिएंट है वो हमारे किसी हलाल फूड में ऐड कर लिया तो वो भी नजिस कहलाएगी, ठीक है, यानी कि जिसको नापसंद किया गया है, कि नजिस को एक नापसंदीदा चीज़ भी कहते हैं, ठीक है, कि अगर हमारा फूड है उसमें किसी भी किस्म का हराम का कोई एक इंग्रेडिएंट भी इंक्लूड है तो हम उसको हलाल कंसीडर नहीं करेंगे, उसको नजीस कंसीडर करेंगे, ठीक है। और बाकी ये है कि उसकी पैकिंग में, उसके प्रोसेसिंग में, इसकी स्टोरेज में, इसकी ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, तो इसका ये है कि वो किसी भी किस्म के साथ जो हराम या नजीस आइटम के साथ कंटेमिनेटेड ना हो, ठीक है।
आगे है हराम एनिमल आर द फॉलोइंग आर द कंसीडर्ड एज द हलाल हराम एनिमल, ठीक है। उसमें पिग्स हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, ठीक है। ये हमारे लिए हराम है, ठीक है। हलाल एनिमल आर नॉट स्लॉटर्ड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ एंड आर स्लॉटर्ड इन द नेम ऑफ आर डिसाइडेड टू द एनीवन अदर देन द अल्लाह, ठीक है। जो हराम एनिमल्स हैं वो अल्लाह के अलावा दूसरों के लिए जो ऑफर करेंगे वो हलाल हराम कंसिडर करेंगे, ठीक है। चाहे वो अगर हलाल एनिमल ही है, अगर वो अल्लाह के अलावा किसी और को ऑफर किए जाते हैं तो वो फिर भी हराम होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो हलाल डेड एनिमल्स हैं, ठीक है, थ्रू एक्सीडेंटली या नेचुरली डेथ उनसे वो डेड डेथ हो जाती है, उसको भी हम हलाल कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जो कि केनाइंस हैं, ठीक है, उसके अलावा जैसे बियर्स हैं, एलिफेंट्स हैं, मोंकी हैं, वुल्फ हैं, लाइन्स हैं, टाइगर हैं, ठीक है, पैंथर्स हैं, जैकल्स हैं, फॉक्स हैं, स्क्विरल हैं, ठीक है, ये जितने भी हैं ये हमारे लिए हराम है, ठीक है। उसके अलावा जो आर प्रेडेटरी एनिमल्स हैं, उसमें ईगल है, ठीक है, फाल्कन है, हॉक्स है, उसके अलावा क्रोज हैं, काइट्स हैं, ठीक है, वो भी हमारे लिए हराम है। उसके अलावा ऑल द पेट्स एंड द वेरियस क्रिएशन सच एज द रैट्स, सेंटीपेड्स, स्कॉर्पियंस, स्नैक्स, ठीक है, माउस, ये सारे हराम है। उसके अलावा एनिमल हैं लाइक आ लिजर्ड, स्नैक, इंसेक्ट्स, ये भी हमारे लिए हराम है, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है कि जो एनिमल हैं जिस तरह हनी बी या हुप है वो भी हमारे लिए हराम है, या उसका डोंकी म्यूज भी हमारे लिए हराम है, ठीक है। हराम फूड फूड आर ड्रिंक्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय होली कुरान, ठीक है। फूड कंटेनिंग द मीट मीट प्रोडक्ट्स आर इंग्रेडिएंट्स आर ड्राइव फ्रॉम द हराम सोर्सेज, उससे हम हराम क्लियर करेंगे, ठीक है। सेवन पार्ट्स ऑफ द हलाल एनिमल स्लॉटर एनिमल आर नेमली के जो हलाल एनिमल हैं उसके भी सात ही पार्ट्स हैं, ठीक है, जो कि हम हमारे लिए हराम कंसीडर हैं। उसमें क्या आ जाता है, ब्लड आ जाता है, यूरिन यूरिनरी ब्लड आ जाता है, गाल ब्लड आ जाता है, ठीक है, उनके ग्लैंड हैं, ठीक है, उसके अलावा उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, वो हराम है इस्लाम में, चाहे वो हलाल एनिमल के हों, ठीक है। उसके अलावा ये है कि उनका स्वाइन या लिकर, ठीक है, वो भी हराम है हमारे लिए, ठीक है। उसके अलावा ये है कि इनमें कुछ ऐसे फूड जो कि हमारी कॉन्शियसनेस को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम अनकॉन्शियस स्टेट में जा सकते हैं, जिस तरह वाइन है, लिक्वर है, अफीम है, वो भी हमारे लिए हराम है। इसके अलावा कुछ ऐसी फ्लेवर्ड ऐड करें फूड में जिसका ओरिजिनेटेड पोर्क हो या फिर उसमें अनलॉफुल सोर्सेज हों, वो भी हमारे लिए हराम है, ठीक है। कि कुछ इसके अलावा मरीन एनिमल्स हैं जिस तरह टर्टल्स हैं, ठीक है, उसके अलावा क्रोकोडाइल्स हैं, एलिगेटर हैं, ये भी हराम है हमारे लिए। इसके अलावा हलाल एंड हराम फूड ऑफ प्लांट रीजन, ठीक है, इसमें ये है कि जो भी टॉक्सिकेंट्स होंगे, जो भी पॉइजनस होंगे, जिनके एक जड़ी बूटियों के खाने से खतरा हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम अनकॉन्शियस स्टेज में जा सकते हैं, फीम है, ठीक है, वाइन है, या उनकी कोई प्रोडक्ट्स है, उनकी प्रोडक्ट्स के लेने से हम अनकॉन्शियस स्टेज में जा सकते हैं, हमारे लिए वो पॉइजनस हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं, वो भी प्लांट सोर्सेज हराम है, ठीक है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें आर्च स्पीशीज हैं वो हलाल हैं, एक्सेप्ट द जो जितने भी पॉइजनस होते हैं, जितने भी इंटॉक्सिकेंट्स हैं, जितने भी टॉक्सिकेशन जिससे हो सकती है, जिसमें हैजर्डस होते हैं हेल्थ को, वो हराम है, ठीक है। उसके अलावा जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, कुछ ग्रोइंग या कल्चर होते हैं जो कि हलाल ग्रोथ मीडिया होते हैं, ठीक है, वे होते हैं, वो हलाल हैं। उसके अलावा बाकी हमारे लिए नजीस हैं, ठीक है। उसके अलावा कंज्यूमर पर जो प्रोडक्ट्स होती हैं, उसमें फूड एंड ड्रिंक्स हैं जिसमें माइक्रोबियल कल्चर होती हैं, ठीक है, उसके अलावा जो नॉन हलाल मीडिया वो हराम है हमारे लिए, ठीक है। उसके अलावा
जो मशरूम है, मशरूम जो है वो सारी मशरूम हलाल है, हमारी की सारी वैरायटी से वो वैरायटी जिसकी वजह से हमें नुकसान जो पहुँचता है वो हराम है। ठीक है, अब फूड एंड ड्रिंक्स फ्रॉम द अदर सोर्सेज, उसमें सबसे पहले मिनरल सोर्सेज आज केमिकल आ जाता है। ठीक है, ऐसे केमिकल जिसकी वजह से हमें इंटॉक्सिकेशन हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, हेल्थ हैजर्ड हो सकते हैं, उसको ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद बेवरेज आ जाती हैं। ठीक है, जो वाटर है, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज है, वो हलाल है हमारे लिए। इसके अलावा जितने पॉइजनस हैं, इंटॉक्सिकेंट्स हैं, उसके अलावा डेंजरस हैं, उसके अलावा वो है जिसके इंटेक करने से हम अनकॉन्शियस स्टेट में जा सकते हैं, उसमें इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, जो कि ग्रेप से ली जाती है, उसे नजिस या हराम कंसीडर किया जाता है। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जिसको GMF फूड बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट। ठीक है, अगर उसकी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन जो ऑर्गेनिज्म, अगर वो हलाल सोर्सेज हैं तो उसे हलाल कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर वो हराम सोर्सेज हैं उसे हम हराम कंसीडर करेंगे। फूड एडिटिव, फूड एडिटिव का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फूड एडिटिव लास्ट चैप्टर मैंने बताया कि वो इसमें फूड कंपाउंड्स, कोई ऐसी चीज़ जो कि फूड में ऐड की जाती है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट, उसकी स्मेल, उसकी अपीयरेंस, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू, उसकी लॉन्गेविटी, उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, वो प्रोसेसिंग में, उसकी प्रिपरेशन में, उसकी पैकिंग में, किसी भी स्टेज पे ऐड की जा सकती हैं। ठीक है, अगर तो फूड एडिटिव जो है अगर वो हलाल सोर्सेज से हैं तो फिर वो लो हो गया, अदरवाइज वो अनलॉफुल होंगे। टी स्लॉटरिंग, स्लॉटरी को मैंने पहले बताया, दिबा करने का तरीका है। ठीक है, कि उसकी जगुलर वैन, उसकी कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, उसके अलावा उसका विंड पाइप, उसका फूड पाइप प्रॉपर कट होना चाहिए। ठीक है, उसमें दिबा दिबा ये है कि अल्लाह के नाम से उसे दिबा करना है सबसे पहले। ठीक है, दूसरा ये है कि जो उनकी चारों उसकी पार्ट्स कट करने हैं नेक के। ठीक है, तो उसका उसका जो माउथ है वो काबा की तरफ होना चाहिए, ये इसके मेन है इसके। ठीक है, परी स्लाटर रिक्वायरमेंट फॉर एनिमल, ये हमने लास्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया कि एनिमल का ख्याल किस तरह रखना है। ठीक है, उसमें ये है कि उसको किसी भी किस्म की स्ट्रेस नहीं देनी, उसको किसी भी किस्म का फियर नहीं देना, उसको प्रॉपर वेल फेड रखना है, तो उसकी डाइट का ख्याल रखना है। ठीक है, उसके अलावा यह है कि एनिमल वेलफेयर, ये है कि उनको हमने एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रखना है, किसी भी किस्म का डर नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनको प्रॉपर उनकी हैंडलिंग करनी, उनकी हेयर, उसकी उनकी हेल्थ का ख्याल रखना है। ठीक है, उन्हें कोई हेल्थ रिलेटेड इशूज़ है तो उसकी प्रॉपर उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड करनी है उनकी। ठीक है, थ्रू आ वटरनरी क्लिनिक। ठीक है, देन स्लाटर, स्लाटर ये है कि जो कि स्लाटर कर रहा है, एक तो उसका यह है कि एक तो उसका अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, स्लाटर है जो कि कसाई होता है। ठीक है, उसका अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, वो मुसलमान होना चाहिए, उसका अल्लाह पे बिलीव होना चाहिए, उसका अल्लाह की जितनी भी आसमानी किताबें हैं उस पर यकीन होना चाहिए। ठीक है, उसको अल्लाह के नाम पे उसे अल्लाह को के लिए ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो अल्लाह के नाम पे उसे स्लाटर करना चाहिए। ठीक है, और उसका जो जानवर, उसका मुकाबा की तरफ होना चाहिए, उसको लेफ्ट साइड पर ऐड करना चाहिए। ठीक है, ये हैं इसकी ऑब्लिगेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्लाटर। ठीक है, उसके अलावा ये है कि वो प्रॉपर वो उसमें हाइजीन जीन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये कि वो जो पर्सन है, ठीक है, वो जो स्लाटर कर रहा है उसको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, वो खुद भी अनकॉन्शियस स्टेज में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि वो कोई ऐसे ड्रग यूज़ करता हो जिसके वजह से वो अनकॉन्शियस स्टेज में चला जाए, तो ये वो बंदा स्लाटर नहीं कर सकता। ठीक है, स्लाटरिंग टूल्स एंड यूटेंसाइल्स, ये है कि प्रॉपर क्लीन होने चाहिए प्रॉपर। ठीक है, वो क्लीन होने चाहिए यूटेंस, जितने बर्तन हैं, ठीक है, वो ड्राई क्लीन होने चाहिए, जो नाइफ है वो शार्प होनी चाहिए। ठीक है, जिससे जो एजेस हैं वो शार्प होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा उसका वेट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके नाइफ का जो एज है उससे कट करना है। ठीक है, देन स्लाटिंग प्लेस, स्लाटिंग प्लेस यही कि वो वेल वाटर फिल्टर होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, वो कन्वीनियंट होनी चाहिए, और उसमें स्लाटिंग प्लेस में जो एनिमल के लिए प्रॉपर सफाई होनी चाहिए। ठीक है, उसको वाटर फेडेड होना चाहिए। ठीक है, जो लैंड एरियाज हैं, ठीक है, उसमें है प्रॉपर हेल्थ चेक्स की स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हैं इसमें। उसके अलावा ये है कि उसमें रोरल चैन होनी चाहिए,
ये है कि उसमें इजीली तरीके से उसको स्लाटर कर सके, सूटेबल लोकेशन होनी चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए जो इसके कारकासीज होते हैं, जो इसके फजलात होते हैं, ठीक है, उसकी वाशिंग फैसिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, जो उसका ब्लड होता है उसका इजीली रिमूव कर सकें, ठीक है, और जो जितना भी रिमूव जो ओत उठवा ब्लड है उसको हम इजीली वहाँ से रिमूव आउट कर सकें, ठीक है। और इसके अलावा हेल्थ चेक बिफोर आ स्लाटर, ठीक है, इसमें पहले स्टनिंग आता है। स्टनिंग के ये है कि मोस्ट इस्लाम में प्रोहिबिटेड हैं, ठीक है, क्योंकि वो एनिमल है, वो अनकॉन्शियस स्टेज में चला जाता है स्टनिंग से, लेकिन जो इंटरनेशनल लॉज है उनमें स्टनिंग को लाफुल कंसीडर किया गया है। इंटरनेशनल लॉज में, इस्लामिक लॉ में अनलाफुल है, ठीक है, उसमें ये कहते हैं कि जानवर को अनकॉन्शियस स्टेज में ले जाते हैं, ठीक है। फिर हेल्थ चेक के जो जानवर है उसका प्रॉपर हेल्थ चेकअप होना चाहिए, ठीक है। तो अगर तो वो प्रेग्नेंट हो, ठीक है, 1/3 भी, तो उसको भी स्लाटर नहीं कर सकते। क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ द एनिमल, ठीक है, एनिमल को प्रॉपर स्लाटर करने से पहले उसके प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, ठीक है, कि जब वो स्लाटर के लिए भेजा जाए तो उसका यूजरीन मड फ्री होना चाहिए, ठीक है, उनका जो वेस्ट है उसको प्रॉपर ड्रेन आउट करना चाहिए, ठीक है, उसका फीसेज है, यूरिन है, उसे फ्री होना चाहिए। डर्टी एनिमल्स को प्रॉपर क्लीन करना चाहिए, प्रॉपर वॉश करना चाहिए, ठीक है, ये स्लाटर करने से पहले ये तकनीक यूज की जाती है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ मिक्सिंग ऑफ द डिफरेंट एनिमल, यानी कि इसमें ये कि जो मिक्सिंग है डिफरेंट ग्रुप की वो अवॉइड करना चाहिए इसमें, ठीक है। इसमें हमें ये नहीं पता होता कि एक एनिमल की बॉडी दूसरे जो एनिमल की बॉडी से डिफरेंट होती है, ठीक है, उसमें लाइक के एक एनिमल के पैचन डिफरेंट हैं, दूसरे के डिफरेंट हैं, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि उनमें दोनों को ज़्यादा इशू होने का चांसेस होता है, ठीक है। देन लर्निंग एनिमल टू स्लाटर एरिया, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। स्लाटिंग प्रोसीजर भी हमने देख लिया, पहले मैंने 2 बार बता दिया स्लाटिंग प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। देन आप पोस्टमार्टम रिक्वायरमेंट, पाकिस्तान में तो नहीं है, खैर जितने भी इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे पोस्टमार्टम रिक्वायरमेंट्स है, वो क्या करते हैं उसके फीकल का, उसके केयर कैसेज का, ठीक है, उसका सैंपल लेते हैं, फिर वो टेस्ट करते हैं, वो देखते हैं अच्छा इनमें हेल्थ जो है मीट वो के उसमें कोई ऐसा इशू तो नहीं है जिसकी वजह से मीट में अनसेफ्टी रिलेटेड इशू ना आए, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। तो एंड पे है इसके स्लाटर ऑफ वाइल्ड वाइल्ड एनिमल, ठीक है, लाल एनिमल जो बर्ड्स हैं, ठीक है, हंट्स कहते हैं, किल आफ्टर तस्मिया, ये इस्लाम में तो यही है ना कि साथ के तस्मिया से शुरू करते हैं, अल्लाह का नाम लेके, ठीक है। तो स्लाटर ऑफ द पोल्ट्री एनिमल, स्लाटर ऑफ पोल्ट्री एनिमल का यही है कि इस्लाम में तो यही है कि इसको प्रॉपर हम कट करते हैं कि, ठीक है, अल्लाह का नाम ले लेके उसकी नेक से वो हम जब नाइफ के साथ शार्प नाइफ से स्लाटर करते हैं, लेकिन कुछ रिलीजन में ये है कि जर्क मेथड है जो सिखिज्म है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो झटके से उसकी नेक रिमूव कर देते हैं, ठीक है। हेल्थी चेक ऑफ द पोल्ट्री बर्ड बिफोर द स्लाटिंग, ये है कि पोल्ट्री बर्ड जो है स्लाटर करने से पहले उसकी प्रॉपर हेल्थ वेरीफाइड करनी चाहिए, जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, वेटरनरी प्रैक्टिस होते हैं उसके थ्रू, ठीक है। अगर वो कोई बर्ड, ठीक है, अगर वो पोल्ट्री वो अगर वो उसे कोई डिजीज़ है, वो अगर उसे कोई हेल्थ इश्यूज है, तो उसे पहले रिकवर करना चाहिए, फिर उसे स्लाटर करना चाहिए, ठीक है। स्लाटर ऑफ द स्लाटिंग प्रोसीजर, स्लाटिंग प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है, कि उसका जो है हेड रे उसकी 1 साइड पे होना चाहिए, ठीक है, जो कट थोड़ पे कट देना चाहिए, शार्प नाइफ के साथ देना चाहिए, ठीक है, दूसरे हाथ से, और उसकी जो नेक स्ट्रेच करके करना चाहिए, ठीक है। जो हैंड सैंड स्लाटरिंग एंड ऑटोमेटेड पोल्ट्री स्लाटरिंग पाकिस्तान में ये फॉलो किया जाता है, ठीक है, और जो दूसरी कंट्रीज है वहाँ पर तो मैन ऑटोमेटिक स्लाटरिंग आ गया, ठीक है। प्लकिंग, प्लकिंग है कि आफ्टर द बर्ड हैज़ अ कम्प्लीटली डाइड, डाइड के जब जो परिंदे हैं वो
डेड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो उसके केयर कैसी हैं, उसके फजलात हैं, वो स्कैटर किए जाते हैं, ठीक है, प्लकिंग के लिए, ठीक है, उसकी डीफीडिंग के लिए, प्रोस के डीफी, ठीक है। तो इसमें ये एक जो वाटर है उसको 54 to 57 सेल्सियस पर होना चाहिए, ठीक है। और वो उसको डेथ डायमंड के लिए उस कर सकते हैं, ठीक है। जो हॉट एयर होते हैं, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल होती है सेफ केयरिंग मेथड के लिए, लेकिन ये वेस्टर्न कंट्री में यूज किया जाता है। हेल्थ इंस्पेक्शन ऑफ केयर कैसीज, ठीक है, इसमें ये कि जो केयर कैसीज हैं, ठीक है, जो इसके प्रॉपर वॉश करके उसको ये है कि हेल्थ इंस्पेक्शन करनी चाहिए उसकी। देन आ स्लॉटर ऑफ द फिश, फिश को भी यही है कि डी फिटिंग करते हैं, ठीक है, उसकी उसकी उसके अलावा हलाल फूड प्रोडक्ट, जो मीट है, मीट प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल है, एग्स हैं, हनी बीज, हनी एंड इट्स बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट्स क्या है कि नेचर हनी हलाल है, ठीक है, इसकी जो बी होती हैं कीपिंग प्रोडक्ट्स हनी होती है, बी वो पोलन के साथ के, एक तो ये कि वो जिस पोलन से वो हनी ले रही है वो के लाइक वो पोलन है वो हलाल है, कि जो प्लांट्स हैं अगर वो प्लांट हलाल से हुआ तो फिर हम उसे हलाल से करेंगे, अदरवाइज हम उसे नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। डाइटरी सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट ये है कि जो डाइटरी सप्लीमेंट हम यूज़ कर रहे हैं कि उसकी जितने भी सिंथेटिकली या ऑर्गेनिक कंपाउंड उसका वो हलाल से वैसे होना चाहिए, जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो रॉ मटेरियल है उसका, जो एंजाइम्स का, ठीक है, उसके प्रोसेसिंग एड्स में, उसके फाइनल जो प्रोडक्ट्स में, ठीक है, वो हलाल होना चाहिए, उसके जितनी बड़ी अदर प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें हलाल होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मिसलिनियस, इसमें यह कि पैकिंग मटीरियल में जितना जो भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो भी हलाल होना चाहिए। फूड सर्विस एंड ऑफसिलिटेशन में ये है कि फूड सर्विस में जो जो भी डील हो रहा है, ठीक है, कि इसमें जो होता है प्रोडक्ट प्रोडक्ट ग्रुप्स होते हैं, जो उसके मटीरियल्स होते हैं, ठीक है, सेफ्टी पर्पज़ के लिए होते हैं, जो हेल्थ स्टैंडर्ड होते हैं वो हलाल स्टैंडर्ड होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग ये कि फूड को जो आफ्टर हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग की जाती है, ठीक है, तो उसको ये कि उसकी प्रोसेसिंग जितनी तकनीक यूज़ होनी है वो हलाल तकनीक यूज़ होनी चाहिए। जितने भी मशीनरी है, यूटेंसाइल बर्तन है, सामान जितने भी, ठीक है, मशीनरी है सारी, वो ये है कि उसकी मशीनरी की प्रोडक्शन लाइन उसमें हलाल फूड जो है उसके ये कि जितना मटीरियल यूज़ हो रहा है वो हलाल होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये स्टोरी डिस्प्ले जितने भी कि ट्रांसपोर्टेशन में हलाल वे यूज चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हाइजीनिक एंड सैनिटेशन ऑफ फूड सेफ्टी, ठीक है, हाइजीनिक प्रॉपर होना चाहिए। हलाल फूड जो है, ठीक, वो जब प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज में, ठीक है, कि उसको इस मैनर से प्रिपेयर करना चाहिए कि जो हाइजेनिक और सैनिटेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो स्टैंडर्ड इस्लामिक स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट्स होने चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, ठीक है, हलाल फूड सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, हलाल फूड सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, हलाल फूड मैनुअल सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन शैल इंक्लूड, कि इसमें क्या कर पूरे डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट्स ऑफ द हलाल फूड एंड द सेफ्टी पॉलिसी एंड रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सेफ्टी पॉलिसी रिलेटेड है, ठीक है। उसके अलावा उसके जो रिकॉर्ड रिक्वायर्ड है वो स्टैंडर्ड्स का। उसके अलावा इसमें यह है कि जो डॉक्यूमेंट है नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर द एफिशिएंट द डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन एंड अपडेटिंग ऑफ द हलाल फूड सिस्टम एंड कंट्रोल एंड रिकॉर्ड आर शेल बी एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ द कन्फर्मिटी टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इफेक्टिव प्रेशन। ये है कि जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है वो अप टू डेट होना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन सोर्सेज का ये है कि जितने भी इसके एसोसिएट एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, इसके एडवाइजर्स हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वेटरनियन हैं, ठीक है, उनके रिक्वायरमेंट्स हैं कि जितने भी ऑपरेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो हलाल फूड जो है सिस्टम उसके अकॉर्डिंग हो, ठीक है। देन इंटरनल ऑर्डर ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है शेल कंडक्ट इंटरनल ऑर्डर, ठीक है, इंटरनल ऑर्डर होना चाहिए उसका, ठीक है। उसमें ये है कि उसमें जो हलाल फूड सिस्टम है उसमें ये है कि उसमें प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर एग्जीक्यूशन होनी चाहिए उसको ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, स्टैंडर्ड को फॉलो होना चाहिए, इसकी इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट भी ये है कि हलाल फूड के जो
ओवरऑल मैनेजमेंट है उनको प्रॉपर उनका रिव्यू सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। इम्प्रूवमेंट यह है कि कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट, ठीक है, कि जो आपने लाल फूड की सेफ्टी कंसर्न रिलेटेड, जो क्वालिटी पॉलिसी रिलेटेड, ठीक है, उसके ऑर्डर्स के रिजल्ट रिलेटेड, उसके प्रॉपर कलेक्टिव जितनी भी फोर्सेज हैं, ठीक है, उसको आप कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट कंटिन्यू होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यह है कि अगर कोई मिसरीडिंग हो रही है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको हमने करेक्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा यह है कि प्रिवेंटिव एक्शन ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो जितने भी एक्शन ले रही है, ठीक है, वो जो नॉन कॉन्फर्मिटीज होती हैं, ठीक है, उसको ये है कि प्रिवेंट करने चाहिए अकरेंस होने से, ठीक है। कोई भी ऐसा इशू नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से हेल्थ स्टैंडर्ड कम्प्रोमाइज हो। वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन यही है कि वो जितने डॉक्यूमेंटेशन है उसकी वैलिडेशन होनी चाहिए, प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये सारा अगर लेबलिंग आया था, लेबलिंग में क्या है कि उसका फूड का नाम, ठीक है, उसमें इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, इसके कंटेंट कौन कौन से हैं, एड्रेस क्या है, उसका कोड्स क्या है इसमें, ठीक है, जो जियो में कुछ स्टैंडर्ड हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, गुड मैन्युफैक्चर स्टैंडर्ड हैं इसके, ठीक है, उसकी एक्सपायरी डेट, ये सारा चीज़ें इसमें आ जाती है। तो डेट ऑफ स्लाटर, अगर वो मीट है, डेट ऑफ स्लाटर क्या है, डेट ऑफ प्रोसेसिंग क्या है इसकी, ठीक है, उसको स्लाटर किस टाइम किया गया, कितने दिन के लिए, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारा, कि अगर चिल किया कितने दिन के लिए चेक चिल किया, ठीक है। उसके अलावा सर्टिफिकेशन होती है, सर्टिफिकेशन शेल बी इंक्लूड द फॉलोइंग, ये कि एनिमल कौन सा है, इसका वेट कितना है, उसकी एवरेज एज क्या है, इसका स्लाटिंग डेट क्या है, उसकी कंट्री रीजन क्या है, ठीक है। तो ये है कि जो स्टंटेड है, नॉन स्टंटेड है, ठीक है, लास्ट स्टंटेड है, नाम स्टंटेड है, ठीक है, ये सारा कुछ देखा जाता है इसमें। ओके, अल्लाह।